हेलो फ्रेंड्स, कर्क राशि के लिए मैं इस वीक की रीडिंग लाई हूँ। बिफोर आई स्टार्ट माय रीडिंग, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। 15 अगस्त आ रहा है, हम सभी की ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ रहे, हम सब बहुत सफल हों और हमारे आसपास भी बहुत खुशियाँ घूमती रहें। दोस्तों, इसी विश के साथ मैं आपके लिए गाइडेंस टिप्स लाई हूँ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। और आपको केवल सब्सक्राइब और शेयर ही नहीं, आपको मेरे इन वीडियोस को लाइक भी करना है, कमेंट्स भी करना है और बेल आइकन तो ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरे नेक्स्ट कमिंग वीडियो की आपके पास टाइमली इन्फॉर्मेशन आ जाए। लेट अस सी व्हाट इज़ द फर्स्ट गाइडेंस टिप फॉर यू। लीव फॉर नाउ, पता नहीं आप कौन से प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, आपके सामने कौन सी समस्या है। ये समस्या मे बी रिलेटेड टू एनी ऑफ योर फील्ड्स, आप जहाँ कहीं भी हैं उससे रिलेटेड यदि ये समस्या है तो आपसे कह रहे हैं एक बार इस समस्या को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। हो सकता है वो जो प्रॉब्लम, जो आपकी पहली प्रॉब्लम है जिसमें कि आपसे श्री कृष्ण ने कहा है लेट इट गो, तो वो जो पहली प्रॉब्लम है हो सकता है उस कारण आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ऐसी बातें बोल रहे हैं जो कि आपके फेवर में नहीं है। तो आपसे कहा है नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखिए, अपने आप को नेगेटिव होने से बचाए रखिए। और आपके मन में इस समय कोई प्रश्न ज़रूर उठ रहा है, तो आज मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने आई हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊँगी, जो भी आपके माइंड में प्रश्न चल रहा है, यू आस्क ए क्वेश्चन एंड टैरोट कार्ड्स आर गोइंग टू गिव यू द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। आपने पूछ लिया प्रश्न, चलिए मैं आपको टैरोट कार्ड्स की तरफ से आंसर बताती हूँ। आपका आंसर है लेट गो। देखिए, आपका फर्स्ट कार्ड भी यही निकला था और आपका टैरोट कार्ड्स में आपने मन में जो प्रश्न पूछा उसका भी यही जवाब निकल रहा है। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको एक बार के लिए छोड़ देना बहुत अच्छा होता है। एक बार छोड़िए उस समस्या को और आगे बढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट।